गाइज़, ये वीडियो बड़ा ही रैंडम सा होने वाला है। आई डोंट नो मैं इसे अपलोड भी करने वाला हूँ या नहीं। वो तो बस ऐसे ही हम रास्ते से जा रहे थे और भेलपूरी नहीं खा रहे थे, ना लड़की घुमा रहे थे, सिर्फ रास्ते से जा रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत शूट कर लेता हूँ, ऐसे ही पता नहीं क्यों माइंड में आया थोड़ा बहुत शूट कर ले रहा हूँ। सो मैंने वीडियो शूट कर लिया और अब आपके सामने है। और आई डोंट नो मैं इसे पूरा अपलोड भी करने वाला हूँ या नहीं, क्योंकि बड़ा ही रैंडम सा वीडियो बनाया था मैंने और मैंने सोचा भी नहीं था कि इसे अपलोड करूँगा। अगर कर दिया है तो आप इसे देखना पूरा। और हमारे साथ में जो जा रहे हैं, उनका नाम है विपिन प्रजापति जी, उनकी बातें सुनोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखना। थिएटर कोई बनने वाला था, सबसे पुरानी चीज है ना, हॉल बनता ना। इस बिल्डिंग के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इंदौर के भूतिया बिल्डिंग, भूतिया से सर्च करोगे तो इंदौर की कम से कम 4 से 5 बिल्डिंगें मिलेंगी। तो नीचे कोई रहता है, ऊपर कोई नहीं रहता? नीचे कुछ है और ऊपर कुछ भी नहीं है। इसमें आग वाग लग गई थी? कहा जाता है कि ऊपर से किसी ने आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद से खाली पड़ी है पूरी बिल्डिंग। एक एक दरवाजा देख सकते हो, कोई नहीं, पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी। इंदौर के बीचों बीच शहर में बल्ले बल्ले रेस्टोरेंट, एक पास वाली बिल्डिंग, वो भी भूतिया घोषित है और ये भी भूतिया घोषित है। ऐसा कई बार कुछ करने की कोशिश करी लेकिन आज तक कुछ नहीं। ये हमारे देश का, सॉरी, हमारे इंदौर का दूरदर्शन दे रहा। नजर नजर मेरी नजर ढूंढे तुझे, आएगी एक दिन वो मेरे सामने। दूदे दे, दूदे दे, दूदे दे।